हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सटेंशन बॉक्स जो है इसको कैसे रिपेयर करते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि इसमें करंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसको रिपेयर करने से पहले हम देखेंगे कि स्विचेस काम कर रहे हैं या नहीं। ये जो है यहाँ पे लाइट लगेगा, ये तो काम कर रहा है, मगर ये जो है काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, करंट नहीं आ रहा है। तो इसको हम पहले खोलेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। हाँ, तो अब मैंने इसको खोल लिया है। इसको एक साइड में रख लें। इसकी जो वायर है इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा। ऐसे भी निकल सकता है, देख सकते हैं अब स्विच काम नहीं कर रहा। फिर इसमें इन्होंने दो स्क्रूज लगाए हुए हैं, इसको भी खोल लेते हैं। अभी इसमें देखेंगे कि स्विच का जो पोर्शन है इसकी वायरिंग कहाँ पे जा रही है। ये है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है मैं एक मीटर से चेक करूँगा कि इसका कनेक्शन जो है पास हो रहा है या नहीं। देखिए, यहाँ से यहाँ पर पास नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो ये जो है, ये स्विच जो है मोल्डेड है, मतलब इसको ना बदल सकते हैं ना रिपेयर कर सकते हैं। गर्म होने की वजह से ये जो है ख़राब हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन एक ही नज़र आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है ऑन ऑफ का, इसको डायरेक्ट कर दिया जाए। ये जो है टेम्परेरी सोल्यूशन है, इसको डायरेक्ट कर देंगे, यानी इस दो को मिला दो, एक ही जगह डालकर टाइट कर दो। यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। लगाकर स्क्रू को टाइट कर दो। टाइट हो गया। अब जो है यूज़ करने के वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह स्विच जो है काम नहीं करेगा। जब भी आप प्लग लगाएंगे होल्डर में, प्लग पॉइंट में जो प्लग लगाएंगे,
तो डायरेक्ट यहाँ पे करंट आ जाएगा, ये बात का आपको ख्याल रखना है। वहाँ पर जो ऑन ऑफ का स्विच होता है उसको आप ऑन ऑफ कर लीजिए और यहाँ पे प्लग्स वगैरह लगा के छोड़ दीजिए। वहाँ पे जो प्लग लगाते हैं वहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट आ रहा है, तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करते वक्त ये बात का ख्याल रहें कि ये जो वायरें हैं बाहर ना आए, अच्छी तरह से बंद कर दें। उससे पहले और एक चीज़ का ख्याल रख लें कि ये जो सारे स्क्रूज हैं ये एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं लूज तो नहीं है। क्योंकि ये इस्तेमाल करते करते ये स्क्रूज जो हैं लूज हो जाते हैं। तो मैंने चेक कर लिया, सब टाइट है। अब आप इसको बंद कर दें। स्क्रूज यहाँ पर एक लगेगा, वो हिसाब से मैं देख के बंद करूँगा। ये हो गया, टाइट हो गया। अभी हम वापस बॉक्स में डालकर बिठा देंगे। यहाँ पे आएगा, ऐसा रख लें। उसके बाद आपको ये बॉक्स लगाना है। सबको आप टाइट कर लो। अच्छी तरह टाइट कर लें। ध्यान रहे कि ज़्यादा टाइट मत कीजिए, क्योंकि अंदर का स्क्रू जो है वो स्लिप हो सकता है। ये टाइट हो गया। अब आप इसको वायर जो है अंदर कर लें, करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखें, मैं मीटर में चेक करके बताऊंगा कि यहाँ पे करंट पहुँच सकता है या नहीं। देखिए,
यहाँ पे आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी आ गया। तो इसका मतलब करंट जो है पास हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो भी टिप्स हैं मिलते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।